पिछले वीडियोज में आप लोगों को दिखाया गया था, बताया गया था रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का डेफिनेशन है ए सिंगल फोर्स विच इज द नेट फोर्स, इफेक्टिव फोर्स ऑफ टू और मोर फोर्सेस व्हेन टू फोर्सेस, टू और मोर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, देन द सिंगल फोर्स दैट इज इफेक्टिव फोर्स ऑफ दैट फोर्सेस, देन दिस सिंगल फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दैट फोर्सेस। और आपके सामने बोर्ड पर जो दिख रहा है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, थ्री इधर टू इधर, आप आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ओके, उम्मीद था आप इसको सॉल्व कर चुके होंगे। शॉर्ट हैंड में हम इसका आंसर भी दे दें आपको। आंसर कुछ इस तरीके से, यदि यहां पर हम लोग रिजल्टेंट निकालने का प्रयास करें, सिर्फ हम आंसर लिखते हैं, लेकिन आप यदि ब्लॉग बनाए होंगे तो ब्लॉग में एरो देकर भी दिखाइएगा किधर रिजल्टेंट है। हम यहाँ पर लेफ्ट राइट लिख देते, यहाँ 3 to 5 है, इधर 12 हो गया, इधर हो गया 7 न्यूटन हो गया लेफ्ट, और यहाँ पर यदि रिजल्टेंट 7 14 और इधर 10 तो ये हो गया 4 न्यूटन किधर राइट, और यहाँ पर रिजल्टेंट आंसर दे रहे हैं 5 2 7 3 10 5 3 8 2 यहाँ हो गया रिजल्टेंट आई थिंक 0 न्यूटन। यहाँ रिजल्टेंट के बारे में यदि सोचे 2 2 2 6 तो यहाँ हो गया 14 तो इधर हो गया 8 न्यूटन ज्यादा, ये ना यहाँ पर यदि रिजल्टेंट के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो डायरेक्शन एरो के हेड को जरूर देखें, हेड कहाँ है, कैसा है, किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ होगा। 1 न्यूटन 1 न्यूटन कैंसल, 2 न्यूटन 2 न्यूटन वापस कैंसल, 3 न्यूटन 3 न्यूटन कैंसल, यानी रिजल्टेंट हो गया 0 इस तरीके से। यानी कहने का मतलब है कि आप डायरेक्शन देखेंगे कि डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है, उस हिसाब से आप वहां पर ब्लॉक लेकर के आप लेफ्ट राइट एरो भी दिखाएंगे, नो डाउट ने भी दिखाएंगे। तो रिजल्टेंट बहुत आसान टॉपिक है और इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन के हिसाब से समझेंगे और बहुत ही आसान है। आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।